भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान श्रमिक बाल विद्यालयों की तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि पूर्व में 14 विद्यालय एनजीओ को दिए गए, लेकिन एनजीओ द्वारा उन विद्यालयों को सुचारू रूप से नहीं चला पाए। उन विद्यालयों के स्टाफ का आर्थिक शोषण हुआ, अभी तक उनको पिछला मानदेय एनजीओ की लापरवाही के चलते हुए नहीं मिला। भाकपा वाले कार्यकर्ता निजीकरण का विरोध मजदूर हित में कर रहे हैं। पूर्व की भांति विद्यालय एनजीओ को दिए गए तो स्टाफ का आर्थिक शोषण होगा, इसलिए यहां आपको अवगत कराना इन स्टाफ के हित में उचित समझते हुए सरकार से मांगे करते हुए अनुदेशकों द्वारा संगठन कार्यालय को दी गई पूर्व स्टाफ की सूची भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि पूर्व के स्टाफ को इन विद्यालयों में लिया जाए। बाल श्रमिक विद्यालयों को एनजीओ में ना देकर समिति द्वारा ही संचालित कराया जाए, ये उनकी मांगे हैं। ब्याज क्या करेगा? आज का हमारा ये कार्यक्रम मुरादाबाद शहर के अंदर बाल श्रम विद्यालय खुलने के लिए जा रहे हैं, जो 54 विद्यालय खुले। पिछली बार 90 विद्यालय थे, इन्होंने 14 विद्यालय एनजीओ को दिए थे और एनजीओ उन विद्यालयों को नहीं चला पाए और जो उसमें स्टाफ था उसका आर्थिक शोषण हुआ और आज तक उनका मानदेय नहीं मिल पाया। और अब ये जो नए विद्यालय खोलने जा रहे हैं उसमें 17 विद्यालय फिर दोबारा से एनजीओ को देना जा रहे हैं, तो हमारी इसमें डिमांड है कि पूर्व में भी एनजीओ विद्यालयों को नहीं चला पाए तो स्टाफ का आर्थिक शोषण किया और उनको मानदेय आज तक नहीं मिला, कोई उन्होंने कागजी कार्रवाई तक पूरी नहीं की, तो अगर आगे भी एनजीओ को देंगे तो स्टाफ का उसमें शोषण होगा। हमारी मांग ये है कि उन विद्यालयों को एनजीओ को ना देकर के निजी हाथों में ना देकर के समिति के द्वारा चलाए जाएँ, तो डीएम साहब को हम ये क्या बना। प्रदर्शन में निरंकार स्वरूप, अवनीश, प्रीति चौधरी, भावना, शोभा, रेशमा परवीन, रूपा सिंह, अंजलि शर्मा, गायत्री शर्मा, यास्मीन अपीर, जहां मुमताज आदि भी शामिल रहे। बंद करो।